आएंगे और ढोल बजेगा। ला ला इधर आओ, ला ला ला। गुड मॉर्निंग बोलो मामा को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या क्या सामान आएगा ये सब का लिस्ट बन रहा है ताकि अभिषेक ला पाए जाके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ क्रिश बैठ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए और हम अभी रेडी हो रहे हैं, मतलब सब कोई रेडी होगा तो साथ में करेंगे। सोचे कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले वीडियोस में कि कैसे कैसे हम लोग शादी का प्रिपरेशन, शादी का चीज़ कर रहे हैं और आगे और करने को बाकी ही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे वो आप लोग के लेके, मतलब आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो छुट्टी नहीं मिला, ये कौन है? मिल गया छुट्टी। चलो डांस दिखा दो हम लोग को थोड़ा सा। बाबू डांस दिखा ना। हेयर कलर करने के लिए रेडी हो रहे हैं हम। हल्का व्हाइट बन आ गया है, काम अलग से चालू है। आज एक चीज़ अच्छा था कि धूप बहुत कड़ा हुआ था, नहीं तो डेली धूप कर ही नहीं रहा था। तो आज हमने सोचा कि चलो हेयर कलर हम लोग कर ही लेते हैं और थोड़ा सा टाइम भी था हमारे पास में। तो स्वाति ने भी फटाक से गोल लिया और गोल के पहले हमने कर लिया। और पीछे में जो देख रहे हैं वहाँ पर काम भी चालू था, थोड़ा सा डेंट पेंट का घर का हो रहा था। और यहाँ पर अब मम्मी को बुलाया गया कि मम्मी आप भी करवा लीजिए, साथ में सब कोई का हो जाएगा। धूप अच्छा लग रहा था तो अच्छा लग रहा था, बॉडी में भी सिका रहा था तो पसंद आ रहा था। तो यहाँ धूप में बैठ बैठ के मैं यहाँ ऑरेंज भी खा रही हूँ। धूप में बैठ के खाने, ऑरेंज खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ स्वाति पापा को भी बुला लिया कि पापा आप भी जल्दी से आ जाइए। तो पापा भी आ गए हैं और उनका भी उसने रंगने का काम कर दिया है। तीनों को यहीं पर बैठ के पहले धूप का आनंद लेते हैं, फिर जाके हम लोग बाल धो लेते हैं। पैंतालीस मिनट सौके हो सब कहीं। A few moments later. नहीं, बाल धो के फिर से आ गई हूँ छत पे ताकि थोड़ा सा धूप का मजा मैं ले पाऊँ। अच्छा लग रहा था धूप, तो थोड़ा देर धूप में बैठने के बाद में फिर नीचे चली जाऊंगी। A few moments later. ये हम लोग खोचा बना रहे हैं इस तरह से, सारा पाउच पाउच करके। इसका क्या रोल होता है? इसका क्या रोल होता है? ये जो साड़ी दिया था ना विदाई में, उसी में डाल के दिया था खोचा। अच्छा, उसी को पैक कर रहे हैं। तो खोइचा देने का मतलब, खोइचा देने का मतलब खोइचा दिया जाता है कि उसका घर हमेशा भरा पूरा रहे। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, क्या कर रही हो? पैकिंग हो रहा है बेटा, पैकिंग। अरे मम्मा, मैंने ठीक से नहीं किया था ना, इसलिए भेजी थी मशीन में को। मैं आया भी नहीं इसमें। क्या कर रही हो मम्मा? मैं पैकिंग कर रही हूँ आरवी, मामा जी का शादी है ना इसीलिए। किसके लिए करो? सब जो जो गेस्ट आएंगे सबके लिए कुछ कुछ देना पड़ता है ना इसीलिए। देखो यहाँ पे मम्मी क्या क्या दे रही है सबको शादी के लिए। कभी कभी ना कभी कभी रात की हंसते 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 तू जा नहीं तो बस थोड़ा। ये सब लिखा था हम लोग ने, रेडी कर दिया है और रेडी करना बाकी है। बम बम होने वाला है कोई। यहाँ हो गया हमारा एनवेलोप रेडी कर दिए हैं, जिसमें कि इस बार हम लोग अच्छा काम किए थे कि ये एनवेलोप में हमने मम्मी पापा का नाम लिखवा दिया है।
ताकि बार बार नाम लिखने का जरूरत नहीं पड़े। और अच्छा भी लग रहा है, मुझे ये आइडिया बेस्ट लगा। इसमें भी हमने उसी तरह से नाम लिखवा दिया। अब ये जो है आप जो भरमार देख रहे हैं ये है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पैक कर रहे हैं जागरण के लिए देंगे ये पाउच। यही पाउच में हम लोग ये सब चीज़ डाल के देंगे और सिंदूर। फटाफट से पहले ही सब पैक कर लेते हैं, बाकी वो लोग अपना दूसरा काम कर रही है, तब तक मैं भी अपना फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। चलिए बताना ही भूल गए कि ये हम पांचों की तरफ से जागरण में सब लेडीज लोग के लिए गिफ्ट रहेगा, इसीलिए हमने सोचा कि जागरण में हम लोग इसको बांटेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये आइडिया? ये तो मैंने प्लास्टिक में कर दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गया कि ये पाउच तो इतना ही बड़ा है और जब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, डालने के लिए तो डला जा रहा है, लेकिन ये ऐसे अटक रहा है। अब इसको मैं पूछती हूँ कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। सप्पी ए त्यसो भए हात में दिनु पर्यो, आरती किताब अटे न, यति नै हुँदैछ यसरी नै ठिक छ त, त्यतिकै दिने न, यसरी पाउच नबनाउने, हात में दिउँ न, हात में प्रसाद को साथ में रख के दे देंगे। और ये पाउच में अभी मैं क्या क्या डालूंगी आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये ऐसा पाउच है, अच्छा लग रहा है ना। ये वैरायटी ऑफ कलर्स में ग्रीन है, गोल्डन है, येलो, मस्टर्ड, वॉटर ग्रीन, ये पर्पल, ये ऑरेंज। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं डालूंगी रेड है तो रेड चूड़ी डाल देती हूँ, प्लस तो कोई भी डाल देती हूँ, कोई भी एक क्लच, एक बिंदी और एक सिंदूर। ये हो गया हमारा पाउच रेडी है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी तरह से सारा पैक कर लेते हैं फटाफट से। हाँ तो बढ़ते जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब को बैग में करके रख के चल जाऊँ, फिर आप लोगों को एक ही बार मैं बैग दिखा दूँगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे ना ये पूरा भर जा रहा है, और देखिए जगह बिल्कुल का जगह बिल्कुल भी नहीं है, सारा जगह भरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बैग में मैं डालती चली जाऊँ, इसी में मैं रखते चली जाती हूँ। मम्मी बुला रही है चाय पीने के लिए, तो वो भी जा रही है, तो इसको अभी आके मैं करूँगी, पहले चलते हैं हम चाय पीने के लिए। देखिए सारा सामान अभी भरा हुआ है। हम लोग पूरा थक गए हैं सुबह से लगते लगते, अभी हम लोग, ये हमारा नीचे का फ्लैट है जो कि रेंटर जो है हमने खाली करवा दिया था शादी के चलते, क्योंकि गेस्ट आएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर सारा बिस्तर वगैरह लग रहा है ताकि वो लोग को आराम हो, तो यहाँ पर हम बिछा रहे हैं नीचे में प्रोफाइल, उसके बाद गद्दा डालेंगे ताकि किसी को ठंड ना लगे। तो ये सारा तैयारी किया जा रहा है। So we are getting ready for our guests. ये इधर कर दो। ऐसे ऐसे लगवाना है? हाँ। और दोनों पे क्या? हाँ ऐसा वाला साइज़ है और एक तो है। हाँ ये छोड़ दिया। लंबा वाला साइज का ही था दो ठो है ना, ये लेते जाने हैं। नहीं नहीं लिया, पहले वो लिया ना। हाँ जाइए लाइए। लिया
नीचे का सारा कुछ करने के बाद में फिर आके हम लोग पिछले रूटीन में जो हम लोग पैक कर रहे थे आरती संग्रह का बुक्स वगैरह सारा हो गया था, तो एक बैग में पैक हो रहा था। और ये शादी का चूड़ा जो था पीयू के लिए जो लाया गया था वो रोज़ी दिखा रही थी, और पीयू का वैनिटी बॉक्स वगैरह था, तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर बोलो तो नहीं बोले जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे 23rd January का सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे नेताजी पर सारा कुछ पैक होके ये बैग में रख दिए हैं, और बचा ही था तो ये दूसरा बैग में डाला जिसमें कि आरती समय का बुक भी हमने उसी में डाल दिया ताकि एक ही जगह रहेगा तो मिल जाएगा। और ये ऊपर में जो था ये एक्स्ट्रा हमने कुछ कुछ बैग्स और क्लचेस वगैरह रखा है कि अगर कुछ और एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएंगे तो वहीं पर डाल के फटाफट से हम लोग दे देंगे। तो खाना ही पड़ेगा ना धीरे धीरे, उसी हिसाब से वो लोग को जल्दी भी नहीं बुलाना है कि वो लोग बोर हो जाए। हम लोग डिले भी नहीं करवा सकते, कहीं जाम हो है ना, और हम लोग जल्दी भी नहीं बुला सकते, ठीक है। तो हम से टारगेट दिए है कि आपको 4:30 वहाँ पहुँच जाएगा, जैसे 11 बजे तो चलेगा तो 4 बजे पहुँच जाएगा ना, एक रास्ता में 1.5 घंटा खाना खाना, तब 5:30 यहाँ पर सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद जब मैं रूम में आई तो यहाँ देखे अभी मस्त अपने आप में ही खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि ये कैप्चर करना तो बनता है, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेड पे, तो आज हमने क्या क्या किया वो सब आप लोगों को दिखाया मैंने, होप लोगों को पसंद आया होगा। तो और आगे बहुत अच्छे अच्छे कोशिश करूँगी कि मैं एक एक चीज़ कैप्चर करूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।